ऑर्गेनिक कैंटीन सांगला। हमारे यहाँ पर हर प्रकार के कॉस्मेटिक, घर के सामान व खाद्य सामग्री, प्रेशर कुकर, इंडक्शन केटल व अन्य हर प्रकार के सामान बाजार से सस्ते दामों पे उपलब्ध है। हमारा पता है सैनिक कैंटीन, नियर बस स्टैंड सांगला, दूरभाष 62304-63904 व 70185-15100। धन्यवाद। नमस्कार। किन्नौर अब तक के साहित्यिक पटल पर आज काव्य संध्या के इस आयोजन में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और बहुत ही खुशी की एक खबर है। किन्नौर अब तक के समस्त दर्शकों और श्रोताओं के लिए कि आज के कार्यक्रम में हिंदी की दो जानी मानी कवित्रियां जिन्होंने अपनी कविताओं से साहित्य जगत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है और जिनका नाम है रचना शास्त्री और निवेदिता श्रीवास्तव गार्गी, हमारी इस काव्य गोष्ठी में शिरकत कर रही हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से अमित रत्ता जी भी आएंगे, भाग लेंगे। अभी वो नहीं जुड़ पाए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि अमित रत्ता जी भी कार्यक्रम पधारे और आज की काव्य गोष्ठी में वो शरीक हों। अगर मैं आदरणीय रचना शास्त्री जी से ये कहूं कि वो सरस्वती वंदना वगैरह अगर प्रस्तुत कर सकती हैं तो वो प्रस्तुत करें, क्योंकि माता सरस्वती की कृपा से ही समस्त कलाओं की सृष्टि इस धरती पर हुई है और उनका स्मरण करना बहुत ही आवश्यक है। रचना शास्त्री जी, आप एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। इदम मम सौभाग्यम कि आज इस पटल पर मुझे माँ सरस्वती की वंदना का अवसर मिल रहा है। आइए आप सब भी मेरे साथ माँ सरस्वती का ध्यान करें। सरस्वत्यै नमो नित्यम, भद्रकाल्यै नमो नमः, वेद वेदांत वेदांगः, विद्या स्थानेव च सरस्वती महाभागे, विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमस्तुते। वागर्थाविव संप्रक्तौ, वागर्थाविव प्रतिपत्तये, जगत्पित्रौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। के चरणों में प्रणाम करते हुए की वंदना में रखती हूँ, आप सब भी जुड़िएगा। चले सतपथ सदा ऐसा हमें वरदान दो, गिरा तुम ज्ञान दाहो, बुद्धि विद्या ज्ञान दो। चले सतपथ सदा ऐसा हमें वरदान दो, करो मानस तमस विमले विमल मेधा करो, करो मानस तमस विमले विमल मेधा करो, सुरों से ही वीणा में नए सुर नव गान दो, गिरा तुम ज्ञान दाहो, बुद्धि विद्या ज्ञान दो।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने माता सरस्वती का प्रस्तुत की, उनकी प्रार्थना आपने की है, और ये सब के लिए कारक हो, हम सभी लोग जीवन में उन्नति करें और वो माता सरस्वती बुद्धि विवेक प्रदान करें। और बहुत खुशी की बात है कि दीपिका शर्मा जी भी आज कार्यक्रम में आई हैं। नमस्कार दीपिका जी के, नमस्कार दीपिका जी के बारे में आप सभी जानती हैं कि दीपिका जी कवित्री हैं और राजस्थान के निम्बा हेरा की रहने वाली हैं, निम्बा हेरा, और इन्हें तीन तीन भाषाओं में इन्होंने एमए की पढ़ाई की है, हिंदी में और संस्कृत में और राजस्थानी में। दूसरी हैं राजस्थान सरकार की शिक्षा सेवा में हैं, अध्यापिका हैं, और आज हम लोग इनसे कविताएं सुनेंगे। और थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर अमित दत्ता जी भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अमित दत्ता जी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जुड़ जाएंगे, और जुड़ गए हैं। देखिए अमित दत्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम अमित दत्ता जी से आग्रह करेंगे वो अपना परिचय दें और अपने काव्य लेखन के बारे में, अपने शहर के बारे में, और काव्य लेखन से जुड़े हुए दूसरे जो पहलू हैं उनसे हमें अवगत कराएं। आपका स्वागत है अमित दत्ता जी। जी नमस्कार सर, मैं अमित दत्ता, तहसील हम, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश से। मुझे थोड़ा आवाज कम आ रही है, मुझे नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ साफ आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। जी सबसे पहले तो मैं, मेरे लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप जैसे बड़े बड़े रचनाकारों, काव्यकारों के साथ बैठने का मौका मिला। इसके लिए मैं आपके चैनल का, आपके दर्शकों का, आपके साथ जुड़े साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये बड़ा ही सराहनीय कदम है कि आप जमीन से जुड़े लोगों को भी इतना बड़ा मंच दे रहे हो, और मैं अपील करूंगा अपने साथियों से कि अगर किसी के अंदर कोई भी प्रतिभा है तो वो आपसे संपर्क करे और वो भी मंच का फायदा उठाए। तो कविता के मैं शुरू करता हूँ, मेरी आज मैं पहली कविता सुनाऊंगा आपको, जिसका शीर्षक है मेरी बेटी लौटा दो मुझे। ये दहेज प्रथा पे है, मतलब एक बाप जिसकी बेटी दहेज की बलि चढ़ जाती है, वो अपनी बेटी की लाश अपनी गोद में रख के क्या सोचता है, उसके मनोभाव क्या है, उसी के विषय में ये कविता है। तो मैं पढ़ता हूँ। वो कहता है कि वो फूलों सा चेहरा, वो कोमल बदन, वो उंगली पकड़ के मेरी जो रखा पहला कदम, वो किलकारियां, वो हंसना, वो मुस्कुराना उसका, वो करके शरारतें छुप जाना उसका, कैसे भुला दूं वो नाजुक हाथों का छूना मेरे गालों से, वो पीठ पे बैठ के मेरी खेलना मेरे बालों से, कैसे भुला दूं वो पल जो मैंने मुश्किल से सहा था, जब पहली बार तोतली जुबान से उसने मुझे पापा कहा। माँ गुजर गई थी उसकी, फिर भी हर गम पी गया मैं, देख के मुस्कुराहट उसकी ना चाहते भी जी गया मैं। काम से आता तो दौड़ के आके सीने से लिपट जाती थी उसकी नन्ही बाहों में, सारी थकान मिट जाती थी। पता ही नहीं चला कब उसके बचपन की शाम हो गई, देखते ही देखते मेरी बेटी जवान हो गई। बाप था, बाप होने का फर्ज अदा किया था मैंने, पत्थर रख के दिल पे बेटी को विदा किया था मैंने,
जुलम ढापते रहे लोभी दहेज के, जुलम ढाते रहे लोभी दहेज के, वो हंस के सहती रही, देख के गरीबी मेरी मुझसे, पापा मैं खुश हूं कहती रही। बेटों से ज्यादा चाह जिस दामाद को, उसने चाहत का ये सिला दिया, अंधा होकर दहेज की भूख में मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। ना हंसती है ना रोती है, चुपचाप मेरी गोद में सोई है आज, मगर उसकी आंखें बता रही हैं कितना तड़पी कितना रोई है आज। कैसे उठाऊं कैसे जगाऊं कैसे गले से लगाऊं उसे, कोई बता दो मुझे, मेरी हर चीज दे दो इन दहेज के भूखों को, मगर मेरी बेटी लौटा दो मुझे, मेरी बेटी लौटा दो मुझे। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत सुंदर। सामाजिक जीवन के ज्वलंत प्रश्नों में दहेज प्रथा भी है, और यह एक कलंक इस प्रथा को कहा जाता है, और हमारा समाज इस कलंक से मुक्त नहीं हो पा रहा है। और अपने मन की पीड़ा को अमित रत्ता जी ने इस कविता में जिस तरह से पिरोया है वो बहुत ही मार्मिक है। और दहेज की जो प्रथा है वह प्रथा, उसको मिटाने के लिए हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज की जो त्रासदियां हैं, त्रासदियों में एक त्रासदी ये भी है, तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद, चेष्टाओं के बावजूद, दहेज की प्रथा जो है समाज में खत्म नहीं हो रही है। और आए दिन दहेज की वजह से कन्या उत्पीड़न, नारी उत्पीड़न की वारदातें समाज में घटित होती हैं। और अपनी कविता में अमित रत्ता साहब ने इन सब सारे प्रसंगों का जिक्र किया है, और ये कविता जो है हमें विचलित कर देती है। बेहद संवेदनशीलता के साथ इन्होंने इस सामाजिक प्रसंग को हमारे सामने रखा है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ रखा है बिहार में। बिहार में दो अभियान चल रहे हैं, एक तो शराबबंदी के खिलाफ बहुत काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और दूसरा काम जो कर रहे हैं वो है दहेज प्रथा को समूल बिहार से मिटाना, और ये सारे देश में भी चल रहा है। तो दहेज की प्रथा जो है वो खत्म हो। बहुत बहुत आपके प्रति आभार अमित रत्ता साहब। और अब मैं आग्रह करूंगा निवेदिता श्रीवास्तव जी से कि वो अपनी अपने काव्य पाठ से मंच को गौरवान्वित करें और आमंत्रण स्वीकार करें काव्य पाठ का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मंच को मैं नमन करती हूँ, और आदरणीय राजीव कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मंच पे। तो मैं कुछ दोहा आप सभी के समक्ष रखती हूँ। शुभदा के पग धाम में मेरा प्रथम प्रणाम, सुधियों से आशीष पा सभा बने सुख धाम, सुधियों से आशीष पा सभा बने सुख धाम, निवेदिता मन से करे सुधियों का सम्मान, मन भावन परिकल्पना आज बने पहचान, जितने अभ्यागत यहाँ श्रोता संत समाज, निवेदिता विनती करे आप सभी को आज, सफल रहे पावन सभा यह साहित्यिक मंच, सुंदर हो हर प्रस्तुति विघ्न नहीं हो रंच, साहित्यिक इस मंच में बरसे काव्य अनन्य, सबका पद रज पा सकूं आज बनू मैं धन्य। तो मैं साहित्यिक मंच को अपनी दोहा से प्रणाम करती हूं, और इसके बाद में से इन्होंने आज मंच को बिल्कुल सुवासित कर दिया है, और हमारी जो संस्कृति है उसमें आत्मा की शुद्धता, चेतना की पवित्रता और हृदय की आत्मीयता, ये सब सारे तत्व जो हैं वो जीवन के मूलभूत तत्व हैं, और
हमारी जो काव्य परंपरा है वो आत्मिक साधना की एक परंपरा है और नारी हृदय का जो उद्गार है उसको खास तौर पर हमने सब समूह के आसपास में बहुत ही मधुरता से सरसता से प्रवाहमान देखा। निवेदिता श्रीवास्तव का सर एक मनहरण घनाक्षरी, मनहरण घनाक्षरी अगर बोले तो प्रस्तुत करूं। एक मनहरण घनाक्षरी है वो रखती हूँ मैं। पिया ही आमे है बसे, पिया ही आमे है बसे, चाहे कोई ताना कैसे, चुनर धानी ओढ़ के मिलने को आई हूँ, मिलने को आई हूँ। सजना समरना है, सजना समरना है, पिया जी पे मरना है, होठों पे लाली सजा के सज धज आई हूँ, सज धज आई हूँ। कोई रोके टोके नहीं अब घर बार यही, कोई रोके टोके नहीं अब घर बार यही, बाबुल घर छोड़ के पिया घर आई हूँ, पिया घर आई हूँ। सासू बड़ी प्यारी लागे, सासू बड़ी प्यारी लागे, ससुर पिता है प्यारे, सजना की अंगना में सुख सारा पाई हूँ, सुख सारा पाई हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निमिता जी आपने स्त्री जीवन की जो घटना वो है दाम्पत्य और घर आंगन परिवार, और नारी का जो मन है प्राण है वो इसी में सदैव रचा बसा रहता है, और आपने इन सारे प्रसंगों को अपनी इस कविता में बहुत ही सुंदरता से आपने समेटा है और इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। आपकी दूसरी तीसरी कविताएं हम बाद में सुनेंगे और मैं बीच में रचना शास्त्र जी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि रचना जी अपनी कविताएं हमें सुनाएं, ऐसी कविताएं जो खासतौर पर कभी कभी मंचों पर जब ली जाती हैं तो लोगों को सुनने को मिलती हैं, तो वैसी ही कविताएं आज हम लोग इनसे सुनना चाहते हैं। आप जो भी सुनाएं वो एक यादगार कविता हो, गीत हो, छंद हो। रचना जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है तीनों, और अब तक के इस प्रश्न पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ यहाँ अपने आप को उपस्थित पा करके। निवेदिता जी के बहुत सुंदर दोहे, और मैं इस समय गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है आप सबसे बहुत रखती हूँ सुनिएगा। अरुण अधरों पर मृदुल मधु हाथ लेकर आ गया है कौन ये मधुमास लेकर, अरुण अधरों पर मृदुल मधु हाथ लेकर आ गया है कौन ये मधुमास लेकर। गंध वाली चंदनी की साँस उसकी चेहरे पर खिल रही है, चंदनी की लग रहा तन सार वीणा कसा कसा सा गूंजती है, तो मेरा रागिनी की गंध वाली चंदनी की साँस उसकी चेहरे पर चमकती चांदनी की लग रहे तन सार वीणा का कसा सा गूंजती है, स्वरों में रागिनी की मिल रहे उस पल से मनोहर दो नयन वे निज हृदय में प्रीत का विन्यास लेकर आ गया है कौन ये मधुमास लेकर। मृदुल अधरों पर मधुर मधुमास लेकर मध्य में स्थित रूप गर्वित तारकों के
वो सरदेव साहे दिल मिला था हमें चुंबन भाल कर दे दूर में थी वो दिवस मुझे छू कर जगाता मध्य में किस रूप गर्वित तारकों की वो सरदेव साहे दिल मिला था हमें चुंबन भाल कर दे भोर में फिर वो दिवा करता मुझे जगाता पूर्वी मोदीरत मधु चुम्बनों की उर्मियों का नृत्यमय उल्लास के कर आ गया है कौन मधुमा करुण मधुरों मधु मधुमास कर मन रखती पूछता मन तोड़ कर बंधन रखोगे नैन पटकी भाव मुझको ब्याह कर भी छोड़ दोगे कुंवारी या भटकता जन्म भर मुझको पूछता मन तोड़ कर बंधन सजन क्या रखोगे नैन पटकी कर भी छोड़ दोगे चिर कुमारी जन्म तकता जन्म भर गाँव मुझको शीश पर सिंदूर धर सौभाग्य दोगे शीश पर सिंदूर धर सौभाग्य दोगे या रहेगी कामना संन्यास लेकर आ गया है कौन अरुण मधुर मधुहास लेकर आ गया है कौन मधुमास लेकर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर बहुत अच्छी रचना बहुत सुंदर जी बहुत खूबसूरत मुझे वहां कोई कम आ रही थी लेकिन आपने बहुत अच्छी कविता गाई इतने मैं समझ पाया बहुत खूबसूरत गान है संचालक महोदय हमारे बीच ही मैं तब तक एक अद्वैत का एक मुस्तक और रखती हूँ कबीरदास जी ने कहा था कि भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए जब इस पंक्ति पर चिंतन किया मनन किया तो क्या सार निकल कर गया वो सार चार पंक्तियों में रखने का प्रयास किया है आप सभी सुखीजनों के समक्ष रखती हूँ सुनिएगा मधु सिंचित इस जीवन द्रुम से तल जरा मरण के झर जाते मधु सिंचित इस जीवन द्रुम से तल जरा मरण के झर जाते एक बूंद भी चख लेते तो रिक्त कोश हृदय के भर जाते एक बूंद भी चख लेते तो रिक्त कोश हृदय के भर जाते और ढाई आखर पूर्ण ग्रंथ है रचना जीवन के दर्शन का ढाई आखर पूर्ण ग्रंथ है रचना जीवन के दर्शन का वा अगर आधा भी पढ़ लेते तुम भव से पार उतर जाते वा अगर आधा भी पढ़ लेते तो तुम भव से पार उतर जाते मधुचिंतित इस जीवन द्रुम से दल जरा मरण के झर जाते बहुत ही अच्छे और चार पंक्तियां रखती हूँ जब तक हमारे संचालक महोदय यहाँ जुड़ते हैं छाए अंध तमस के घन जो मानस पर सब छट जाएंगे वेग प्रबल प्रेम प्रभंजन का विवर द्वैत के फट जाएंगे अद्वैत द्वैतवाद अद्वैतवाद दो वाद हमारे यहाँ बड़े प्रचलित है महात्मा सूरदास ने भी सूरसागर में बहुत ऐसे इसका प्रयोग किया है तो मैंने भी वहीं से ये चार पंक्तियां ली हैं कि छाए अंध तमस के घन जो मानस पर सब छट जाएंगे वेग प्रबल प्रेम प्रभंजन का विवर द्वैत के फट जाएंगे अद्वैत यही जीव ब्रह्म का षड दर्शन का सार यही है अद्वैत यही जीव ब्रह्म का षड दर्शन का सार यही है तुम परिरंभन में कस लोगे भव बंधन कट जाएंगे तुम परिरंभन में कस लोगे भव बंधन कट जाएंगे अंध तमस के छाए जो बहुत ही सुंदर
और इसी अध्याय की चार पंक्तियां और देखिएगा, भव उदधि जीवन तरी पतवार तुम हो, भव उदधि जीवन तरी पतवार तुम हो, रूप मंजुल तब विबुध साकार तुम हो, मैं विलग तुमसे क्षणिक भी हो न पाई, मैं विलग तुमसे क्षणिक भी हो न पाई, तत्व हूँ मैं प्रेय यदि तो सार तुम हो, तत्व हूँ मैं प्रेय यदि तो सार तुम हो, भव उदधि जीवन तरी पतवार तुम। और बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब तक निवेदिता में हम आपको सुनाए तब तक, जब तक संचालक महोदय जुड़ते हैं, अमित रस्ता जी हैं वो कुछ सुनाए, अच्छा लगेगा, एकदम बना रहेगा। कौन सुना रहा है, किसकी बारी है अभी? ये आप सुनाइए सर, ठीक मैं बहुत सारा सुना चुकी हूँ। ठीक ठीक, मैं सुनाता हूँ, मैं मेरी कविता है रेप, रेप पे कविता है जी। वो कहता है, एक लड़की कल बाजार में गुमसुम चुपचाप खड़ी थी, आंखों में डर, चेहरे पे शर्म, नजरें इकटक जमीन पे गड़ी थी, जानबूझकर या मजबूरी में चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, खामोशी थी, दर्द था अजीब सा, बदन जैसे थका हुआ था, हर कोई ताक रहा था उसको, ताने कोई तंज कस रहा था, जाने क्यों हर एक शख्स उसकी लाचारी पे हंस रहा था, हर एक की आंखों में हबस थी, नजरों से बलात्कार कर रहा था, सब देखकर भी खामोश थी वो, हर शख्स हद पार कर रहा था, क्यों चुप है वो, बोलती क्यों नहीं, यही सब मैं खुद से पूछ रहा था, आखिर कौन है, क्यों मौन है वो, मेरी सब्र का बांध टूट रहा था, किसी को पूछा तो पता चला वो तो बस हालात की मारी थी, रेप किया था किसी की बेटी का, वो बहन थी एक बलात्कारी की, सुना है उसकी मां ने उसके बाद घर से निकलना छोड़ दिया था, चारपाई से उठ नहीं पाया बाप, घटना ने इस कदर तोड़ दिया था, मोहल्ले में बेदखल परिवार, रिश्तेदारी में कोई अपना ना था, जिंदा लाशें बन चुके थे सब, किसी का कोई सपना ना था, सोचता हूँ आखिर किसका रेप किया उसने, अपनी उस बूढ़ी माँ का जो सबसे मुंह छुपाती थी, अपने बूढ़े बाप की उम्मीदों का, सपनों का, या बहन का जो किसी से नजर नहीं मिलाती थी, हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया एक पल में, गुनाह एक ने किया सजा पूरे परिवार ने भुगती थी, अमित बेशक रेप किया उसने किसी की बेटी का, पर इज्जत, इज्जत तो अपनी माँ बहन की भी डूबी थी। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं दीपिका शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि दीपिका जी अपनी कोई कविता हमें सुनाए, दीपिका जी आप कोई कविता हमें सुनाइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप भी अपनी कविता सुनाए, मंच को मेरा प्रणाम, और आप सभी के लिए मैं नई हूँ, राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले से हूँ, तो आप सभी मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें, और मैं अपना एक गीत रखना चाहती हूँ, माँ शारदे को नमन। इस गीत में लड़का शहर का है और जो उसकी पत्नी है वह गांव की है, तो वो बार बार शहर जाने की जिद करती है और शहर की तारीफ करती है, फिर वह लड़का उसको शहर की कमियां और गांव की अच्छाइयां बताता है, उसी के संदर्भ में लिखा है कि तुम कहती हो रौनक शहर की होती सुंदरतम है, तुम कहती हो रौनक शहर की होती सुंदरतम है, मैं कहता हूँ सबसे सुंदर तुम्हारे गांव का मौसम है, मैं कहता हूँ सबसे सुंदर तुम्हारे गांव का मौसम है, तुम कहती हो रौनक शहर की, शहर की बातें छलिए जैसी, शहर की बातें छलिए जैसी, बड़ी इमारतें जेलो जैसी, बंद हो उनमें सब खुशियाँ ही, मुस्काने भी नपी तुली थी, बंद हो उसमें सब खुशियाँ ही, मुस्काने भी नपी तुली सी, आने पर कुछ देर में ही शहर में है ना,
आने पर कुछ देर में ही घुटने लगता दम है, और तुम कहती हो रौनक शहर की होती सुंदरतम है। पीपल गांव के पिता समान, पीपल गांव के पिता समान, सुख दुख की सुविधा समान। यानी कि शाम होते ही सभी लोग उस पीपल के नीचे बैठते हैं, अपने सुख दुख की बातें करते हैं, और वह पीपल एक पिता की बात ही उनकी सब बातें सुनता रहता है। पीपल गांव का पिता समान, सुख दुख की सुविधा समान, मन की बातें पनघट होती नहीं सर पे बोझ का बान, मन की बातें पनघट होती नहीं सर पे बोझ का बान। कितने ही दिन रह जाएं पर, कितने ही दिन रह जाएं पर, भरता नहीं मन है, और तुम कहती हो रौनक शहर की होती सुंदरतम है। मैं कहता हूँ सबसे सुंदर तुम्हारे गांव का मौसम है। तुम कहती हो रौनक शहर की, बुजुर्गों के मुंह किससे होते, बुजुर्गों के मुंह किससे होते, जैसे उपन्यासों के हिस्से होते, बुजुर्गों के मुंह किससे होते, जैसे उपन्यासों के हिस्से होते। टूटते कहाँ हैं ये मोह के धागे, जुड़े ये जिससे होते, टूटते कहाँ ये मोह के धागे, जुड़े ये जिससे होते। सुबह की राम धुन, सुबह की राम धुन, संध्या को आरती वंदन है, और तुम कहती हो रौनक शहर की होती सुंदरतम है। मैं कहता हूँ सबसे सुंदर तुम्हारे गांव का मौसम है। तुम कहती हो रौनक शहर की। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी रचना, गांव का सुंदर चित्रण आपने किया है, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत खूबसूरत वर्णन किया आपने गांव का, बहुत दीपिका जी की शब्द और बड़ी अच्छी आवाज, बड़ी प्यारी आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोग गजल सुनना पसंद करेंगे? सुनाइए। एक गजल मैं रखती हूँ, उसके पहले चार पंक्तियां। गुल हुए हैं जब से आप, हम ही खार हो गए। गुल हुए हैं जब से आप, हम ही खार हो गए, झूठे इश्क के फरेब का शिकार हो गए। रिश्ता गर निवेदिता का आपसे नहीं है अब, रिश्ता गर निवेदिता का आपसे नहीं है अब, आज मुझको देख कर क्यों बेकरार हो गए, आज मुझे को देख कर क्यों बेकरार हो गए। एक गजल है। कदम बढ़ाती हूँ लुत्फे सफर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ, कदम बढ़ाती हूँ लुत्फे सफर नहीं आता, मुझे पुकारने वाला नजर नहीं आता, मुझे पुकारने वाला नजर नहीं आता।
कदम बढ़ाती हूँ। अगला शेर है, अजीबो ख्वाब है, अजीबो ख्वाब है, भटका रहा है बरसों से, अजीब ख्वाब है, भटका रहा है बरसों से, अजीब ख्वाब है, भटका रहा है बरसों से, पलट न चाहूं तो रस्ते में घर नहीं आता, पलट न चाहूं तो रस्ते में घर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ मैं, बांटती हूँ सदा मुस्कुराहटे अपनी, मैं बांटती हूँ सदा, मैं बांटती हूँ सदा मुस्कुराहटे अपनी, जो दिल दुखाए, जो दिल दुखाए मुझे वो हुनर नहीं आता, जो दिल दुखाए मुझे वो हुनर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ। अगला शेर है, अजब तरह की मिली चादरे हयात मुझे, अजब तरह की मिली, अजब तरह की मिली चादरे हयात मुझे, कभी तो पाऊं, कभी तो पाऊं, कभी इसमें सर नहीं आता, कभी तो पाऊं, कभी इसमें सर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ। मक्ते का शेर है, कमाल करते हैं कुछ शब्द गारगी अक्सर, कमाल करते हैं, कमाल करते हैं कुछ शब्द गारगी अक्सर, बहुत सी बातों में वैसा असर नहीं आता, बहुत सी बातों में वैसा असर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ लुत्फे सफर नहीं आता, मुझे पुकारने वाला नजर नहीं आता, कदम बढ़ाती हूँ।
वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत, जितनी खूबसूरत आवाज उतने खूबसूरत अल्फाज, और उससे भी अच्छा उससे भी खूबसूरत अंदाज, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा पढ़ रही हैं आप, बहुत अच्छा लेखन आपका, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, बहुत ही सुंदर। अभी और कुछ सुनाइए, और क्या सुनना पसंद करेंगे? गजल अगर सुनना चाहे तो और सुना सकती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। जी, तो एक और गजल है, बहुत पुरानी गजल है मेरी, मेरी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, मेरी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, गमों को छुपाऊं ठिकाने बहुत हैं, मेरी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, तबस्सुम लबों पर तो लाना ही होगा, तबस्सुम लबों पर तो लाना ही होगा, के सहरा में गुलशन खिलाने बहुत हैं, मेरी जिंदगी के फसाने बहुत हैं। अगला शेर है, कभी तो मिलेगी ये मंजिल हमें भी, कभी तो मिलेगी ये मंजिल हमें भी, उम्मीदों के अभी ठिकाने बहुत हैं, मेरी जिंदगी के तराने बहुत हैं, मेरी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, बदलने लगी मौसमों की है रंगत, देखिए कैसे रंगत बदलती है मौसम की, बदलने लगी मौसमों की है रंगत, लगे इसके तेवर सुहाने बहुत हैं, मेरी जिंदगी के फसाने बहुत हैं। अगला शेर है, तजर्बा बहुत तलख है इस जहां का, तजर्बा बहुत तलख है इस जहां का, कुछ एक राज अपने बताने बहुत हैं, मेरी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, बहुत खा चुके हैं मोहब्बत में धोखे, बहुत खा चुके हैं मोहब्बत में धोखे, मगर लब पे उल्फत के गाने बहुत हैं, मेरी जिंदगी के फसाने बहुत हैं। मत्ते का शेर है, अभी तक तो कोई
नहीं गारगी का अभी तक तो कोई, नहीं गारगी का के रिश्ते अभी आजमाने बहुत हैं मेरी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, गमों को छुपाऊं ठिकाने बहुत हैं मेरी जिंदगी के फसाने बहुत हैं। अच्छे सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया गजल श्रीवास्तव जी के और वास्तव में बहुत सुंदर सृजन मैम, जैसा आपका नाम है गार्गी यथा नाम तथा गुण, वास्तव में आप विद्वता की पर्याय हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको, धन्यवाद। आप सभी को पसंद आया, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत सुंदर है, और थोड़ा नेट की कनेक्टिविटी खत्म हो जाने के कारण मैं दीपिका जी को नहीं सुन पाई थी, तो जब तक हमारे संचालक महोदय हमारे बीच आते हैं मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा दीपिका जी और तो सुनाए तो अच्छा लगेगा। दीपिका जी स्वागत है आपका, संचालक महोदय, संचालक महोदय भी उपस्थित हो गए हैं। रूठे जो पिता माँ मनाना पड़ेगा, रूठे जो पिता माँ मनाना पड़ेगा, कदम उनकी ओर, कदम उनकी ओर बढ़ाना पड़ेगा, रूठे जो पिता माँ मनाना पड़ेगा, दिखावा करे वो न होकर परेशान, दिखावा करे वो न होकर परेशान, बहुत प्यार करते हमें वो हमेशा, हमें भी इसी दौर, हमें भी इसी दौर आना पड़ेगा, रूठे जो पिता माँ मनाना पड़ेगा, घड़ी भर हमारी सहे ना जुदाई, घड़ी भर हमारी सहे ना जुदाई, भले के लिए हर खुशी भी गवाई, जगत का तरीका निभाना पड़ेगा, जगत का तरीका निभाना पड़ेगा, रूठे जो पिता माँ मनाना पड़ेगा, गमों कारवा तो गुजरता गया है, गमों कारवा तो गुजरता गया है, वही तो मनुज बस संवरता गया है, वही तो मनुज बस संवरता गया है, खिलाया वही आज खाना पड़ेगा, रूठे पिता माँ मनाना पड़ेगा, रूठे पिता माँ मनाना पड़ेगा। शुक्रिया, सभी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं समझती हूँ कि पता नहीं मैंने क्या खो दिया उस बीच में, जो मैं कनेक्ट नहीं हो पाई नेट प्रॉब्लम की वजह से, तो लग रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा सा वो फिर से जो है अचीव कर लिया है, फिर से प्राप्त कर लिया आपको सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद।
सुंदर आपका। अभी सर आप सुनाइए ना, तब तक जब तक संचालक महोदय जुड़ते हैं। अमित सर आप कार्यक्रम हो एक घंटे का लगभग ये कार्यक्रम होता, मैं समझती 9 मिनट अभी शेष हैं, तब तक हम अमित जी को सुन सकते हैं। संचालक महोदय का मुझे लगता है नेट किसकी बारी अभी मैं हाँ सर आप सुनाइए तब तक, क्योंकि अभी 9-8 मिनट अभी शेष हैं। एक घंटे का ये कार्यक्रम यदि तो ये 8 मिनट अभी हमारे पास में है, और संचालक महोदय का मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेट गड़बड़ है, तो इस वजह से वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। कविता है अर्धांगिनी। एक पति जिसकी बीवी गुजर गई है, उसके खुशी और गम का भाव है। कहता है कमीज प्रेस करो, दाढ़ी बनाओ, बूट पॉलिश भी कोई पूछता नहीं अब, किसकी मिस कॉल किसका मैसेज यह कहकर भी कोई रूठता नहीं अब, और तेरी चिट्ठी भी सुनती नहीं, गुप सुनाता है कोई, टर टर नहीं करता, सब कुछ पहले की तरह है, मगर तुम्हारे बिना मुझे घर घर नहीं लगता। क्यों देर हो गई, कहाँ से आए, किसके साथ थे, कोई सवाल नहीं करता, आकर फेंक देता हूँ कुछ भी कहीं भी, किसी चीज की संभाल नहीं करता, कांटों की तरह चुभता है मुझे ये मकबरी बिस्तर, बिस्तर नहीं लगता, सब कुछ पहले की तरह है, मगर तुम्हारे बिना मुझे घर घर नहीं लगता। रात रात भर देखता हूँ अब टीवी में, सो जाओ कहकर कोई लाइट नहीं बुझाता, धूल जम गई है तुम्हारे सिंगार बक्से पे, बड़े शीशे में भी चेहरा नजर नहीं आता, अब रोज पीता हूँ रात को मैं, कोई सुनाएगा बातें ये डर नहीं लगता, सब कुछ पहले की तरह है, तुम्हारे बिना अब ये घर घर नहीं लगता, घड़ी फोन रुमाल पर भूल जाऊं तो तुम्हारी तरह कोई याद नहीं दिलाता, आज बाहर बादल काले हैं कहकर जबरदस्ती कोई शाता नहीं पकड़ाता, होता है अब भी सर में दर्द कभी तो कोई अपनी गोद में मेरा सर नहीं रखता, सब कुछ पहले की तरह है, मगर तुम्हारे बिना अब ये घर घर नहीं लगता, सब कुछ है बच्चों के पास, उनका चेहरा उदास रहता है, बहुत ख्याल रखते हैं वो उनका, बेटी मौसी बेटा मामा के पास रहता है, हंस देता हूँ जब भी पूछते हैं वो हाल मेरा, क्योंकि उनके सामने आंखें भर नहीं सकता, सब कुछ पहले की तरह है, मगर तुम्हारे बिना अब ये घर घर नहीं लगता। थैंक यू। बहुत सुंदर, वास्तव में एक कहावत है कि बिन घर नी घर भूत का डेरा, तो वह बिल्कुल आपकी जो कविता है उस चीज को बिल्कुल चरितार्थ कर रही है, बिल्कुल अक्षरशः उसका जो है हमारे सामने वर्णन कर रही है। बहुत सुंदर आपने एक मार्मिक एक पीड़ा जो है आपने की गृहिणी के बिना एक घर कैसा होता है, वह पीड़ा आपने इस कविता के माध्यम से हमारे जो पत्नियां कहती है कि आप मुझे नहीं चाहते, प्यार नहीं करते, उसका ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि मन की भावनाएं पुरुष प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन आज इन्होंने प्रकट करी। कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और हम तो चाहते हैं कि समाप्त किया जाए और जो लोग काव्य पाठ कर रहे हैं वो काव्य पाठ जारी रखें। मैं सर के प्रति प्रदर्शन करता हूँ, शास्त्री जी के प्रति, इंदिरा श्रीवास्तव जी के प्रति और विकास शर्मा के प्रति, सबके प्रति मैं याद करता हूँ कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया, अपनी कठिनाई बढ़ाने बातचीत की जीवन है एक दूसरे के साथ, और इस तरह से बहुत ही सरस काव्य संध्या है वो संपन्न हो गई है, और आप सब आभार।
आवाज नहीं आ रही, उनकी बहुत डिस्टर्ब है। रचना विरवा प्रेम का तीचू असवंसार, रचना विरवा प्रेम का तीचू असवंसार, सहज सहज पढ़ने लगा मानस मो दबा। बारिश काव्य गोष्ठी में आकर के वास्तव में मानस को बहुत मोद मिला, बहुत आनंद मिला, मन बहुत मोदित हुआ है। आदरणीय निवेदिता मैम को सुना, मित्रता सर को सुना, दीपिका जी से परिचय हुआ, तो एक बहुत सुंदर काव्य गोष्ठी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि विशेष रूप से मेरे लिए रही। और राजीव सर मुझे क्षमा करें कि मुझे संचालन जो वो कर रहे थे, तो निवेदिता जी आप कार्यक्रम को तो मैं क्षमा सहित, चूंकि आपकी भूमिका का निर्वहन मुझे जो है बिना आज्ञा आपकी किया है, तो मैं क्षमा सहित जो है आपको सुविधा लेते हैं, फिर कभी मिलते हैं किसी और पटल पर या कहीं भी। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। सैनिक कैंटीन सांगला, हमारे यहाँ पर हर प्रकार के कॉस्मेटिक, घर के सामान व खाद्य सामग्री, प्रेशर कुकर, इंडक्शन केटल व अन्य हर प्रकार के सामान बाजार से सस्ते दामों पे उपलब्ध है। हमारा पता है सैनिक कैंटीन, नियर बस स्टैंड सांगला, दूरभाष 62304-63904 व 70185-15100। धन्यवाद।